Hello students. Now, example number 7. A particle moves in a plane under a central force which varies inversely as square of distance from the fixed point. Find the orbit. यानि आपको central force दे रखी है जो वो inversely proportional है r के square के distance के square के. तो मैंने force ले रखी है mu by r square. Refer to center of focus as pole. The differential equation of central orbit in the pedal form is h square by p cube dp by dr equal to f. ये second जो हमने यहाँ से form निकाली थी इससे पहले second central orbit की जो differential equation निकाली थी वो यही थी. Refer to differential equation central orbit. तो ये उसका प्रूफ था. 1 बाई पी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू यू बाई डी थीटा स्क्वेयर आया था. इसका यूज होना है. तो ये आई थी सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म. उसके बाद एक नोट है जिसमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला दे रखे हैं पेडल फॉर्म में. तो ये तीनों चीज़ें हमारे काम आने वाली हैं इसलिए मैंने आपको दिखाई. तो सबसे पहले जो एफ ले रखा है वो म्यू बाय आर स्क्वेयर. उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की पेडल फॉर्म में एफ म्यू बाय आर स्क्वेयर है तो एफ की वैल्यू पुट कर दी म्यू बाय आर स्क्वेयर. डी पी एक साइड रखा, डी आर सामने ले गए. इंटीग्रेट किया 1 बाय पी क्यूब का इंटीग्रेशन डी पी से पी से माइनस 1 बाय टू पी स्क्वेयर, क्योंकि पी की पावर माइनस 3 हो जाएगा और माइनस 3 प्लस 1 होगा ऊपर, बाय में भी माइनस 3 प्लस 1. तो ये बनेगा माइनस 1 बाय टू पी स्क्वेयर. तो ये जो माइनस टू है सामने मल्टीप्लाई में गया, ये आर स्क्वेयर है, आर की पावर माइनस टू ऊपर चला जाएगा, फिर ये पावर ऐड होगी माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन नेगेटिव का माइनस म्यू बाय आर. तो माइनस सामने गया, सी वन डैश कॉन्स्टेंट था उसका नाम सी वन रख दिया. जब सामने माइनस टू मल्टीप्लाई हुआ तो नया कॉन्स्टेंट आ गया, उसका नाम सी वन रख दिया. आर्बिटरी कॉन्स्टेंट का आप नाम बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो. इसके बाद वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया एच स्क्वेयर बाई पी स्क्वेयर. ये कैसे आया, ये कोरोलरी टू है सेक्टोरियल एरिया की, ये भी हमने कर रखी है. तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ये भी बहुत आसान लगेगी आपको, ये ऑलरेडी कर चुके हो आप. वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर बाई पी स्क्वेयर पेज नंबर 8.9.6 पे है ये. वी स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर बाई पी स्क्वेयर, तो वी स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर बाई पी स्क्वेयर इक्वल टू टू म्यू बाई आर प्लस सी वन ऑलरेडी आ रहा था. अब इनिशियल वेलोसिटी को उसने वी नॉट मान लिया, इनिशियल डिस्टेंस जहाँ पे हम खड़ के स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से खड़े होकर के आर नॉट मान लिया. तो कांस्टेंट लेना जरूरी है इनिशियल स्टेज पे, कांस्टेंट लेके चलते हैं हम, फिर वहाँ से वेरी करवाते हैं. तो वी नॉट स्क्वेयर इक्वल टू टू म्यू बाई आर नॉट प्लस सी वन आ गया. यानी कहने का मतलब वी को वी नॉट पुट कर दिया, आर को आर नॉट पुट कर दिया, बाकी सब सेम है. यहाँ से सी वन की वैल्यू आ जाएगी, सी वन की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से आ गया इक्वेशन नंबर टू में सी वन की जगह पे एच स्क्वेयर बाई पी स्क्वेयर इक्वल टू टू म्यू बाई आर प्लस वी नॉट स्क्वेयर माइनस टू म्यू बाई आर नॉट. एक बार ये जीरो हो सकता है, हो सकता है ये जीरो हो सकता है ये नेगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव हो. तीनों केस देख लेते हैं. पहला एच स्क्वेयर बाई पी स्क्वेयर इक्वल टू, इसको जीरो मान लिया तो ये बच गया टू म्यू बाई आर. यहाँ से जो पी स्क्वेयर था और जो आर था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल दी तो पी स्क्वेयर इक्वल टू समथिंग इन टू आर आ गया. मैंने आपको अभी नोट दिखाया था, उस नोट में तीन अलग अलग पैडल फॉर्म्स थी. उससे पहली फॉर्म क्या थी, जब पी स्क्वेयर टू पी स्क्वेयर इक्वल टू एल आर आ रहा हो, यानी पी स्क्वेयर इक्वल टू एल बाई टू आर आ रहा हो, तो वो पैराबोला होता है फोकस एज सेंटर सेंटर ऑफ फोर्स एट द फोकस. तो यहाँ से पी स्क्वेयर इक्वल टू ए आर आया जो कि पैराबोला की फॉर्म है. आप देख सकते हो सेंटर कहाँ पे, उसका पैडल फॉर्म फोकस एज पोल, यानी पोल का मतलब सेंटर होता है. यहाँ सेंटर ऑफ फोर्स हमारा, हमने फोकस ले लिया. इसके बाद नेगेटिव लिया, इसको नेगेटिव होने से ये माइनस का कुछ आ जाएगा, ये सारा माइनस का पाँच मान लो, पाँच से डिवाइड करके क्या बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा. पाँच से डिवाइड करके अगर माइनस का पाँच आ रहा है तो, क्योंकि नेगेटिव है माइनस का कुछ आएगा. मैंने पाँच से भाग करके यहाँ एक बनाना था, क्यों बनाना था, मैंने नोट में पढ़ रखा है इसकी फॉर्म. नोट में तीन फॉर्म दे रखी हैं जिसमें माइनस वन वाली भी है फॉर्म, एलिप्स बोलते हैं इसको. उसके बाद हाइपर बोला तीसरे वाले केस में पॉजिटिव लेके फिर उसी तरह डिवाइड करके हाइपर बोला आ जाएगा. ये एलिप्स, हाइपर बोला और पैराबोला.
यानी हमने प्रूव क्या किया है, हमने प्रूव किया है जब कोई भी फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वेयर को, तो उससे सेंट्रल ऑर्बिट एक कॉनिक आता है। ये तीनों एक कॉनिक की फॉर्म है, हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स। ठीक है जी, इस नोट को पढ़ लेना, देखो लिखा हुआ है, वी सी दैट अंडर इनवर्स स्क्वेयर लॉ, इनवर्स स्क्वेयर लॉ मतलब इनवर्स में जब डिस्टेंस होगा तो सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज कॉनिक विद सेंटर ऑफ फोकस, सेंटर ऑफ फोर्स एट फोकस। ये कॉनिक बन गया, कॉनिक मतलब टू डायमेंशनल शेप्स बनी है तीनों। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 में आएंगे, अ पार्टिकल मूव विद सेंट्रल एक्सेलरेशन लैम्डा बाई डिस्टेंस क्यूब, फाइंड द पाथ एंड डिस्टिंग्विश द केसेस। इस बार जो फोर्स है लैम्डा बाई आर क्यूब है, लैम्डा म्यू क्यूब, यू क्यूब बना लिया उसको। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ इज, डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, एच स्क्वेयर इंटू यू प्लस डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर एफ बाई यू स्क्वेयर। तो पिछले वाले में हमने एफ बाई म्यू बाई आर स्क्वेयर था एफ जब, तो ये ली थी, इस बार ये ली है, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं ऑलमोस्ट में यही लिए हैं हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। एफ की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, पुट कर दी, एच स्क्वेयर इक्वल टू लैमडा म्यू क्यूब, यू क्यूब हमने पुट कर दिया, ये लैमडा यू रह गया कट के, बाय में एच स्क्वेयर कहाँ से आया, सामने से आया डिवाइड में, डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। अब तीन केस अराइज होते हैं, लैमडा बाई एच स्क्वेयर जो आ रहा है, जो माइनस वन आ रहा है यू के इंटू में, वो पॉजिटिव हो, अगर वो पॉजिटिव है मान लो वो पाँच है तो वो रूट पाँच का स्क्वेयर बनेगा, अगर वो पॉजिटिव है मान लो तीन है तो रूट तीन का स्क्वेयर बनेगा, तो यानी किसी एन का स्क्वेयर तो बनेगा। अगर वो नेगेटिव होता तो वो रूट किसी का आप आयोटा बन जाता, वो किसी का स्क्वेयर ना बन पाता, पर वो पॉजिटिव है पाँच छः सात आठ जो भी होगा उसका रूट करके आप उसको एन पुट कर देना, एन स्क्वेयर आ जाएगा इसका मतलब सामने, तो एन स्क्वेयर यू आ गया। ये डी स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाला फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ रखा है, डी प्लस माइनस एन आ जाएगा। फॉर्मूला है सी वन ई की पार एन थीटा प्लस सी टू ई की पार माइनस एन थीटा। हाइपरबोलिक का पता है आपको, अगर आप यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक एन थीटा रखते हो, यहाँ साइन हाइपरबोलिक एन थीटा रखते हो, तो कोस हाइपरबोलिक एन थीटा का मतलब ई एन थीटा प्लस ई माइनस एन थीटा बाई टू, और साइन हाइपरबोलिक का मतलब ई एन थीटा माइनस ई ए माइनस एन थीटा बाई टू। तो हम फिर क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करके ई एन थीटा को अलग कर लेंगे, बी से मल्टीप्लाई करके उसको ई एन थीटा को अलग, ई माइनस एन थीटा को अलग। जब आप ई एन थीटा कॉमन लेके अंदर जो कांस्टेंट आएगा उसको सी वन नाम दे दोगे, जो अंदर जो कांस्टेंट ई माइनस एन थीटा में आएगा उसको सी टू नाम दे दोगे, तो यही फॉर्म आ जाएगी। कहने का मतलब ये दोनों फॉर्म इक्विवेलेंट हैं क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है ये। इसको इसने बोला हुआ है स्पायरल कर्व विद इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशन अबाउट द पोल। कॉन्वोल्यूशन मतलब वो घूमेगा बार बार, उसको कवर करेगा उस एरिया को, स्पायरल बोलते हैं। आपको पता है किसको, जो स्पायर की शेप में होता है, स्पायरल यू कैन से स्प्रिंग देखे होंगे आपने, उस टाइप के होते हैं। तो आप सिर्फ क्या करोगे, आप एक बार चेक करोगे इंटरनेट पे कि स्पायरल की आर थीटा की फॉर्म कौन सी है, पोलर इक्वेशन कौन सी है। ठीक है जी, दूसरे केस में इसने जीरो ले लिया, इसको लैम्डा बाय एच स्क्वेयर माइनस वन को जीरो ले लिया, जीरो लेंगे तो लैम्डा बाय एच स्क्वेयर वन आ जाएगा, लैम्डा एच स्क्वेयर आ जाएगा, तो डी स्क्वेयर यू बाय डी थीटा स्क्वेयर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, तो ये जीरो आ जाएगा। एक बार इंटीग्रेट करेंगे सी वन आएगा, डी यू बाई डी थीटा बराबर जीरो का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे सी वन थीटा प्लस सी टू आ जाएगा, इसको आप सी वन इंटू थीटा माइनस सम कॉन्स्टेंट लिख सकते हो, ये जरूरी था इस तरह का बनाना, तो ये रेसिप्रोकल स्पायरल है, वो स्पायरल था ये रेसिप्रोकल है। तो इन दोनों की आप इंटरनेट पर सर्च करना, इक्वेशन पोलर इक्वेशन ऑफ स्पायरल एंड पोलर इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल स्पायरल, इसी तरह की फॉर्म मिलेगी आपको। लैम्डा बाई एच स्क्वेयर माइनस वन को नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव है तो माइनस ऑफ समथिंग का स्क्वेयर, जैसे नेगेटिव में माइनस पाँच ले लूँ मैं, तो माइनस पाँच को माइनस इंटू में रूट फाइव का स्क्वेयर बोल सकता हूँ, स्क्वेयर रूट फाइव का, तो ये उस तरह से बनेगा। फिर ये सामने माइनस एन स्क्वेयर यू स्क्वेयर आ गया, इसको इधर ले आए, डी स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी, सामने माइनस एन स्क्वेयर चला गया, प्लस माइनस आयोटाइन आ गया, प्लस माइनस आयोटाइन आता है तो क्या होता है जी, सी वन कोस एन थीटा सी टू साइन एन थीटा। और ये क्या है, इसने क्या लिखा है आंसर में, इसने लिखा है सी वन कोस एन थीटा प्लस सी टू, इसको हम खोलें तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए कोस बी में जो ये आ रहा है इसको सी वन से जब मल्टीप्लाई करोगे उसका नाम रख देना ए, इस तरह से सी वन से जब साइन सी टू को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साइन सी टू को उसका नाम बी रख देना, तो ए कोस प्लस बी साइन आ जाएगा जो हमको चाहिए था। यानी ये और ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म है, आप पेपर में छोड़ के आ सकते हो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आगे से लिखा है सी वन और एल्फा दोनों आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। एप्स इज गिवन बाय, इसकी एप्स क्या होगी, इसने लिखा है थीटा इज इक्वल टू एल्फा, सबकी इसने इसकी एप्स की जो बात करी है वो इसी केस में करी है, इसी केस में। तो थीटा को जब आप एल्फा ले लोगे तो कोस जीरो हो जाएगा, और आपको पता है यू की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, जब कोस वन बनेगा। कोस वन कब बनेगा, जब थीटा एल्फा आएगा, थीटा को एल्फा पुट करते ही कोस जीरो वन और यू की वैल्यू सी वन। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है इसने उसकी बात करी हुई है, ठीक है जी। एक और बात इसने यहाँ लिखा हुआ है, इन पर्टिकुलर केस व्हेन सी वन इज जीरो, अगर आप यहाँ सी वन को जीरो लोगे देन इट इज अ सर्कल, देन अगर थीटा आपने सॉरी सी वन जीरो ले लिया इस केस में तो यू की वैल्यू आ जाएगी सी टू के बराबर, यू इज इक्वल टू सी टू। अगर यू सी टू के इक्वल आ गया यानी डिस्टेंस आपने फिक्स कर दिया, कॉन्स्टेंट कर दिया। डिस्टेंस कॉन्स्टेंट कब होता है किसी भी फिक्स पॉइंट से, जब वो एक सर्कल बनता है, डिस्टेंस सेम चलता है सर्कल की बाउंड्री पे। तो इसने यही लिखा है कि देन इट इज़ अ सर्कल, अगर सी वन को जीरो लिया तो यू कितना आएगा सी टू के बराबर, सी वन कॉमन नहीं आ पाएगा तब। अगर आप सी वन को जीरो लोगे कॉमन कब आता है कोई, जब उसको बाय में डाल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, सी वन कॉमन लेते हुए क्या करूँगा, इसको सी वन से मल्टीप्लाई करूँगा, सी वन से डिवाइड करूँगा। जब मैं सी वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो जो सी वन है वो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर, थीटा प्लस सी टू बाय सी वन बचेगा, बाय में सी वन नहीं आ पाएगा अगर सी वन जीरो होगा। तो ये फॉर्म कब बनेगी, जब सी वन जीरो नहीं होगा, जब सी वन जीरो होगा तो यहाँ जीरो पुट कर दो, यू बराबर सी टू यानी डिस्टेंस बराबर सी टू, और डिस्टेंस सी टू कब आता है, जब एक सर्कल बनता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर नाइन, एग्जाम्पल नंबर नाइन, अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय सेंट्रल रिपल्सिव फोर्स म्यू यू क्यूब इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी रूट म्यू बाय ए एट एंगल पाई बाय फोर विद इनिशियल वेलोसिटी ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स, शो दैट ऑर्बिट इज इक्वी एंगुलर स्पायरल। ये ऑलरेडी पीछे भी हम कर चुके हैं आठवें चैप्टर में, मे भी तो हमने इक्वी एंगुलर स्पायरल की इक्वेशन कई बार पढ़ ली है। चीज़ें समझने की क्या है कि एक पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स के साथ काम कर रहा है, म्यू यू क्यू रिपल्सिव फोर्स इससे पहले भी आई थी, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है रूट म्यू बाय ए, एंगल है पाई बाय फोर किसके साथ, इनिशियल डिस्टेंस के साथ, यानी जो इनिशियल डिस्टेंस बनेगा उससे रिपल्स करते हुए जाना है, रिपल्स उसकी तरफ नहीं आना है, रिपल्स करना है। फोटो को देखो, इनिशियल डिस्टेंस ए ले लिया, उसके साथ रिपल्स करके चले गए पाई बाय फोर एंगल पे, रिपल्स करके चले गए पाई बाय फोर एंगल पे। अगर तरफ आते तो रिपल्स ना करता, अट्रैक्ट होता, उल्टे गए हैं, उससे दूर गए हैं, पाई बाय फोर एंगल पे गए हैं, यही इसने बोला था। आगे बोल रहा है ऑर्बिट निकालना है, ये आना चाहिए, वेलोसिटी रूट म्यू बाय ए है तो वेलोसिटी भी लिख दी इसने। मैं एक पिक्चर याद दिलाऊंगा आपको, वो बाद में दिलाऊंगा, पहले मैं कुछ इस स्टेटमेंट को ही क्लियर कर दूं थोड़ा सा। सेंट्रल रिपल्सिव फोर्स इससे पहले एग्जांपल नंबर फाइव में भी आई थी, अ पार्टिकल मूव्स अंडर रिपल्सिव फोर्स एम यू बाय डिस्टेंस क्यूब। हमने उसमें फोर्स सेंट्रल एक्सेलेशन क्या ली थी, नेगेटिव ली थी रिपल्सिव होने की वजह से। यहाँ इस केस में वहाँ हमने नेगेटिव ली थी, इस एग्जाम्पल में इसने नेगेटिव नहीं ली है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसने नेगेटिव क्यों नहीं ली है, म्यू यू क्यूब क्यों लिया है। सबसे पहला इसका रीज़न बताऊँ तो इसने एंगल पाई बाय फोर दे दिया, वहाँ कोई एंगल गिवन नहीं था। आप दोनों को ध्यान से देखेंगे स्टेटमेंट को, इसने यहाँ रिपल्सिव सेंट्रल रिपल्सिव फोर्स दिए और प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी एट एंगल पाई बाय फोर, यानी पाई बाय फोर एंगल पे रिपल्स कर रही है, ये पाई बाय फोर एंगल पे रिपल्स कर रही है। और पीछे एग्जांपल नंबर फाइव पे जाते हैं तो वहाँ देखो रिपल्सिव फोर्स है प्रोजेक्टेड फ्रॉम एप्स ए विद वेलोसिटी वी, कोई एंगल नहीं दे रखा था। जब एंगल नहीं दे रखा था तो रिपल्शन को हम सेंट्रल एक्सेलरेशन, जिसका हम सेंट्रल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन मानते हैं वो ओरिजिन के तरफ मानते हैं, ओरिजिन की तरफ। और यहाँ ऑलरेडी रिपल्शन कहाँ से है ये देखो आप, रिपल्सिव फोर्स इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी एट एंगल, रिपल्शन कहाँ से है, एंगल पाई बाय फोर पे है, पाई बाय फोर पे रिपल्शन है विद इनिशियल डिस्टेंस ए। तो जब एंगल साथ दे दिया, अगर एंगल ना दिया होता तो यहाँ भी नेगेटिव लिखते, एंगल साथ दे दिया तो एंगल के साथ जो उसका रिएक्शन होगा वो उसका आंसर माना जाएगा। अगर यहाँ एंगल ना होता तो हम माइनस थीटा एंगल मान के इसको बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करते कि ये नेगेटिव है, ठीक है जी, क्योंकि रिपल्सन है।
और यहाँ क्योंकि एंगल साथ दे रखा है, तो जो एंगल के साथ इसका रिएक्शन आएगा वो माना जाएगा। एक बात और, आगे जाके क्या करेगा ये, आप जो चीज़ें देखने की हैं, इसने एक जगह नेगेटिव साइन लिया, देखो डी आर बाई डी थीटा स्क्वायर, जब आगे आप करोगे इसको तो सामने आर स्क्वायर आएगा, ये माइनस आर लेगा उसको, यहाँ उस रिपल्सन का इम्पैक्ट नज़र आएगा। इसने नेगेटिव साइन क्यों लिया, आर डिक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस, यानी थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है आर वैसे वैसे डिस्टेंस वैसे वैसे कम हो रहा है। आप देखो जब मैं पाई बाय फोर एंगल पे हूँ, आप पाई बाय फोर से कम कर दो, डिस्टेंस देखो क्या करता है। तो ये कह रहा है कि थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है, थीटा मतलब ये वाला एंगल, थीटा यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ एंगल जीरो है, यहाँ एंगल जीरो है, डिस्टेंस ए है, इसके बाद ए डिस्टेंस के बाद जब आप एंगल बढ़ाते जाओगे इसका, तो ये कह रहा है कि आर डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव मतलब उल्टी चल रही है फोर्स, तो इसलिए इसने आर जो लिया है ये माइनस लिया, क्योंकि नेगेटिव साइन इज टेकन एज आर डिक्रीजेज थीटा इंक्रीजेज। थीटा को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इस एंगल को जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, कर्व ये है, इस कर्व को ध्यान से देखो, इस कर्व पे अगर मैंने एंगल अभी ये ले रखा है, इसके बाद मैं थोड़ा अगला लूंगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, कि इससे तो कम ही होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, कम होता जाएगा डिस्टेंस, आर कम होता जा रहा है, एंगल जो एंगल कौन सा, जो इस लाइन का थीटा कौन होता है, इनिशियल लाइन का एंगल होता है कर्व के अलग अलग पॉइंट्स के साथ। अगर मैंने यहाँ पॉइंट लिया होता तो एंगल आता, यहाँ से लाइन बनती और एंगल ये वाला आता, इस लाइन के साथ एंगल आता, इस लाइन के साथ एंगल आता। तो एक तरह से अगर मैंने इसको चेंज किया थोड़ा सा भी, मैं यहाँ से मान लो ये पॉइंट लेके चल रहा हूँ, तो बताओ यहाँ आर ज़्यादा है या नहीं, थीटा तो ये है, पहले थीटा कितना था, जीरो, अब थीटा कितना है, अब जीरो से तो ज़्यादा है, पर डिस्टेंस कितना हुआ, कम हो गया। तो जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे, एंगल बढ़ाओगे, वैसे वैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, आर डिक्रीज करेगा, यानी थीटा के विद रिस्पेक्ट टू आर का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। और इसका कारण क्या है, रिपल्सन है। अगर ये फोर्स यहाँ की बजाय यहाँ होती, नीचे की तरफ ऊपर जा रही है, अट्रैक्शन की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ होती तो इसका एंगल नीचे यहाँ पाई बाय फोर आता, यहाँ आता पाई बाय फोर, और ये जो फोर्स बन, ये जो कर्व है इस पर डिस्टेंस बढ़ता रहता, और यहाँ कर्व रिपल्सन की वजह से डिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है जी, पाई बाय फोर एंगल इधर है इसलिए क्लोज आ गए, और क्लोज आ गए, एंगल का जो डायरेक्शन है वो ये है, ये नहीं है, ये होता तो डायरेक्शन में फ़र्क होता। अगर ये पाई बाय फोर का डायरेक्शन होता, ये वाला रिपल्सन की बजाय डायरेक्शन उल्टा होता, या नीचे की तरफ होता अट्रैक्शन की तरफ, तो भी डिस्टेंस बढ़ता। ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं इसको। सेंट्रल एक्सेलरेशन एफ इजिकल टू म्यू यू क्यूब ले ली, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है सेंट्रल ऑर्बिट की, पता है आपको इसका, एफ की वैल्यू दे रखी है, म्यू यू आ गया, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं पता है आपको, इंटीग्रेट करने वाले हैं पहले की तरह। इंटीग्रेट करने के बाद वी स्क्वेयर इजिकल टू, ये वी स्क्वेयर कैसे आया, ये कोरोलरी से आया, ये वैल्यू आपको पता है कोरोलरी से आती है, वी स्क्वेयर इजिकल टू यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का स्क्वेयर। इनिशियली एट एप्स, एट एन एप्स, ये एप्स इसने गलत लिखा है, एप्स कहीं दिया नहीं हुआ, इनिशियल डिस्टेंस दिया हुआ है ए, एप्स नहीं दिया हुआ, तो अगर हम इसको एप्स ना लें तो भी चल जाएगा काम। इनिशियली एट एन एप्स की जगह आप इनिशियली एट आर इज इक्वल टू ए लिख लो, सिर्फ आर इज इक्वल टू ए, इनिशियली एट आर इज इक्वल टू ए, म्यू यू कितना बनेगा उसका उल्टा बनेगा, वन बाय ए, और डी यू बाई डी थीटा जीरो दे रखा था, वो नहीं लेना है क्योंकि मैं इसको एप्स नहीं मान रहा, एप्स के बिना एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और स्टेटमेंट में एप्स दे भी नहीं रखा। ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस दे रखा है, तो यू वन बाय ए हुआ, वी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी, फाइव पाई बाय फोर कैसे आया, फाइव कौन होता है आपको ध्यान होगा, हम ओ लेते थे, कर्व बनाते थे, टेंजेंट बनाते थे, उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, और उस पे जो लाइन बनती थी, आर वेक्टर जो हमारा रेडियस वेक्टर बनता था, उसका एंगल टेंजेंट के साथ फाइव होता था। यहाँ देखो, ये हमारी टेंजेंट है, ये हमारी रेडियस वेक्टर है ओ ए, ओ ए हमारा रेडियस वेक्टर है, ये हमारी टेंजेंट है, ये हमारा 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो एंगल पाई बाय फोर है, यानी जो फाइव था उसकी जगह पाई बाय फोर ने ले ली, डायरेक्शन उल्टा है क्योंकि इसका 90 डिग्री एंगल भी उधर बन रहा है, और पी बाय आर साइन फाइव होता है, परपेंडिकुलर बाय, यहाँ हाइपो आई, तो पी बाय आर
साइन फाई होता है, ठीक है जी। तो पी आर साइन फाई आ गया। तो लेट्स सी, इसका इंटीग्रेट किया, वी स्क्वेयर की वैल्यू आपको पता है बाय एरियल जो वेलोसिटी का था वहाँ से आया है, ये सेक्टोरल एरिया का था सॉरी। इनिशियली एट आर इज इक्वल टू ए यू ये हुआ, वी ये हुआ, फाई ये हुआ। पी की वैल्यू आर साइन फाई हमने देख लिया, पी की वैल्यू बन जाएगी आर ए है साइन पाई बाय फोर जिस ए बाय रूट टू, वन बाय पी स्क्वेयर यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा स्क्वेयर। ये कहाँ से आया? ये वहीं से आया जो अभी आज मैंने शुरू में आपको एक आर्टिकल दिखाया था। ये रहा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर इंटू वन बाई आर स्क्वेयर या यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा स्क्वेयर, ठीक है। और ये रहा वन बाई पी स्क्वेयर इजल टू यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का स्क्वेयर। इसका प्रूफ मैंने शुरू में आपको भेजा भी था, पीडीएफ नोट्स जो मैंने भेजे हैं उनमें आपको मिल जाएगा वन बाई पी स्क्वेयर इजल टू यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का स्क्वेयर, ठीक। तो वन बाई पी स्क्वेयर इजल टू यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का स्क्वेयर। पी की वैल्यू ए बाई रूट टू है, इसको पुट कर देते हैं, पुट कर दिया, टू बाई ए स्क्वेयर आ गया इजल टू दिस। इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फोर नंबर देखे इसने, इक्वेशन नंबर फोर इसकी वैल्यू को और इक्वेशन नंबर थ्री से वी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फोर से पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये तीन चीज़ें आई, म्यू बाई ए स्क्वेयर, एच स्क्वेयर, टू बाई ए स्क्वेयर, ये वाली वैल्यू इक्वल टू ये। सी वन की वैल्यू यहाँ से आ रही है जीरो, एच स्क्वेयर की वैल्यू ये आ रही है। हम ये दोनों निकाल के दोबारा इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर टू में पुट करने के बाद म्यू बाई टू को सामने भेजेंगे, म्यू से म्यू कट गया, टू साथ आ गया, यू को सामने भेज देंगे, टू यू स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर होता है यू स्क्वेयर। अब यू को वन बाई आर पुट करके इसने इसको रिजोल्व करके डी आर बाई डी थीटा को माइनस आर लिया। मैंने बताया था क्यों लिया, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो डिस्टेंस कम होता जा रहा है, आर उल्टा चल रहा है थीटा से, तो माइनस आर हो गया। डी आर बाई आर इक्वल टू माइनस डी थीटा, इंटीग्रेट कर दिया लोग आर माइनस थीटा प्लस सी। इनिशियली जब आर ए होगा, आर ए होगा मतलब डिस्टेंस ए होगा, तो एंगल कितना होगा? इनिशियल पॉइंट पे एंगल भी जीरो होता है, टाइम भी जीरो होता है। पुट कर दिया, वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है। इसके बाद आप इसको रिवाइज करोगे सारे सिलेबस को, और पहले इनको करने कंप्लीट करेंगे सारे सिलेबस को दोबारा एक्सरसाइज में, मेन मेन जो कम से कम कुरुक्षेत्र और एमडीयू में आए हुए हैं वो करेंगे, क्योंकि पेपर में एक्सरसाइज बहुत आती है। और ज़्यादा जोर आप देंगे इन चार यूनिट के जो मैंने चैप्टर कराए हैं पहले उन पे, उसके बाद कंपलसरी में हम मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है जी।